चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको पहले वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है। सच दैट लिखा रहा, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव, टू एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल टू फोर, एक्स प्लस फाइव वाई मोर देन इक्वल टू फाइव, एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, वाई लेस देन इक्वल टू थ्री, और एक्स और वाई की वैल्यू मोर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न का ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ना। टू कन्वर्ट इनटू इनइक्वालिटीज टू कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, असमिकाओं को संगत समीकरण में परिवर्तन करने पर, ठीक है। क्या क्या दिया आपका, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव, टू एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल टू फोर, एक्स प्लस फाइव वाई मोर देन इक्वल टू फाइव, एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, वाई लेस देन इक्वल टू थ्री, और एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। ये सब जो लेस देन मोर देन है किस में लिखना है आपको, बराबर। क्वेश्चन में आपको लेस देन मोर देन दिया है, पर हम लोग उसको बराबर करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन वन टू थ्री, इसको नाम दो या ना दो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या है हमारा, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव दिया। ये देखना कैसे बनाते हैं, अगर मैं x को जीरो कर दूं, इफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं x को जीरो कर दूं तो क्या बचेगा, y इक्वल टू फाइव बचेगा, तब देन y इक्वल टू फाइव। अगर मैं y को जीरो कर दूं तो इफ y इक्वल टू जीरो, यदि y बराबर जीरो हो तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, पांच, क्लियर। जब मैंने x को जीरो लिया तो y का वैल्यू आया था पांच, जब मैंने y को जीरो लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, पांच, ठीक है। चलिए इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन टू, समीकरण दो से, समीकरण दो में क्या है, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, ये दिया हुआ है। अगर मैं x को जीरो लू तो जीरो इंटू टू जीरो, ये पूरा जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर चार, कितना ही बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिखता हूं, यहां पे इफ x इज इक्वल टू जीरो देन, ठीक है, देन y इक्वल टू कितना बचेगा, फोर, y इक्वल टू चार बचेगा। जब y को जीरो लूंगा तो मैं इफ y इक्वल टू जीरो देन यहां पे क्या है, टू एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू फोर, टू एक्स इक्वल टू फोर, क्या है क्वेश्चन में, टू एक्स इज इक्वल टू फोर, और दो इसके गुणा में है तो इसके डिवाइड में कितना बचेगा, चार को दो से डिवाइड करें तो दो, कितना है भाई आपका बॉक्स में, जब मैं x को जीरो लिया था तो y की वैल्यू आई थी चार, जब मैंने y को जीरो लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, दो। समीकरण तीन से, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, समीकरण तीन से, ठीक है, क्या है समीकरण तीन, x प्लस फाइव वाई इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू फाइव, अब ग्राफ खींच लियो, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर x को मैं जीरो लू तो फाइव वाई इक्वल टू फाइव बचेगा, y इज इक्वल टू फाइव, ये जो पांच गुणा में है इसके डिवाइड में, पांच को पांच से डिवाइड करें तो जीरो आएगा, वेरी गुड, एक आएगा भैया, एक, पांच एक कम पांच होता है, ठीक है। चलो हाँ हाँ ओके, बस y इक्वल टू जीरो, यदि y इक्वल टू का जीरो हो जाए तो पूरा जीरो, तो x इक्वल टू फाइव बचेगा, देन x इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। जब मैंने x को जीरो लिया था तो y की वैल्यू आई थी वन, जब मैंने इसको जीरो लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, फाइव,
ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोग ग्राफ पेपर बना लेते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ये जीरो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इंग्लिश में एक्सिस, एक्सिस बैंक वाला एक्सिस, ठीक है। चलिए इधर देखना, पहला ग्राफ हमारा देता 5 से 5, तो ये मैंने टिक कर दिया यहां से 5 से, ये एक्स वन है, एक्स का 5 वाई का भी 5, तो 5 से 5 टिक कर दिए हम लोग, लाइन एक ड्रॉ कर दिए, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे लेस देन था कि मोर देन था, क्या था देख लो बेटा आप लोग, लेस देन था ना, बाकी दो में मोर देन था। लेस देन का मतलब नीचे काम होगा, लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे काम होगा, इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, इधर कोई भी काम नहीं होने वाला, ठीक है। हो सकता है आपके कॉलेज में पढ़ाए तो जिस साइड काम होगा उसी साइड ड्रॉ करें, हम लोग अपोजिट साइड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अपोजिट साइड मतलब जिस साइड काम होगा उसको छोड़ के, जिस साइड काम नहीं होगा उस साइड लाइन खींच देते हैं, ठीक है। जिस साइड तीर का निशाना मतलब उधर कोई काम नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर काम हो ही नहीं सकता, बाकी लाइन भी खींचते। 2 से 4, ये 2 और ये 4, इसमें था मोर देन, मोर देन मतलब ऊपर काम होगा, नीचे कोई काम नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 से 1, ये 5 और 1, ये भी बोल रहा है कि मोर देन बोल रहा है, मोर देन मतलब ऊपर काम होगा नीचे कोई काम नहीं होगा, तो काम कहां होगा, इसके बीच में। और एक और था यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 3, ठीक है, लेस देन मतलब इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, और ये इधर ये भी लेस देन है, लेस देन मतलब इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, तो काम कहां होगा, इधर। ये हमारा है फिजिबल एरिया, अगर आपका लिखते बनेगा तो लिख लेना, नहीं लिखते बनेगा तो सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। सर ये अपना जो आखिरी को दो लाइन खींचे हैं, हाँ ये 3 है, ये देखो एक्स का वैल्यू 3 तो एक्स में 3, वाई का 3 है तो इधर 3, ठीक है। जैसे 5 बोलते तो 5 के ऊपर ऐसे खींच देते सीधा, अब सिर्फ ये लाइन में सिर्फ 3 है और कुछ तो है नहीं, वाई की वैल्यू नहीं है तो कहाँ वाई में ट्रेस करेंगे, सीधा ऊपर वाई का इधर ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा फिजिबल एरिया, फिजिबल एरिया जो है 5 जगह टकराया 2 लाइन, देखो ये एक लाइन इधर टकरा रहा है यहाँ पे, इसको एक गोला मार दिए, इसको इधर मार दिए, ये और ये 5 पॉइंट, इसको नाम देते ए बी सी डी और ई, ये नाम हम लोग दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। चलिए ठीक है, इधर देखना मैं ग्राफ पेपर में समझा रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा डिटेल में, ठीक है, पहले फोकस ले मैं थोड़ा सा गड़बड़, हाँ ये रहा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे टकराया है बी का, वो इधर 3 दिख रहा है, और इधर पहला लाइन जो हमारा उसमें इस पे टकराया हुआ है 8वें लाइन पे, मतलब 0 से इसके बीच में, अच्छा यहाँ पे 2-2 का गैप में लिया गया ना, तो 2-2 के गैप में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में 0.5, और यहाँ पे 8वां लाइन टकरा रहा, मतलब आप क्या करोगे, जितना भी लाइन है जैसे यहाँ पे 8 है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना, कितना लाइन यहाँ पे 8 लाइन है, 8 को 2 से डिवाइड कर दो और एक डेसिमल लगा देना, मतलब यहाँ पे जो टकरा रहा है वो 0.8 पे है, मतलब 8 पे है तो 4 लेंगे, ठीक है, 0.4 और इस पे किधर इतना 3, ए की वैल्यू जो है 0.3 से 0.4, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ए का आंसर आया है 3 और 0.4, ठीक है। चलिए बी पॉइंट देखते हैं हम लोग, इधर देखना ध्यान से आप लोग, बी पॉइंट, अच्छा बी पॉइंट क्या था, सॉरी ए पॉइंट इधर है ना, मैंने बी का बताया था, ए का ऊपर बताता हूँ फिर से, अभी ए का जो है पहला लाइन के 3 लाइन ऊपर है, 2 लाइन ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 और 0.6, और इधर आ रहा है इधर भी 2 पे, ये 1, 1.5, 1.6, ठीक है। या अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करना बता रहा हूँ, ठीक है, ये 0 से यहाँ पे इसको 10, 20, 30, 30 और 2, 32, 30 और 2, 32, 32 को आप क्या करो 20 से डिवाइड कर दो, 32 को 20 से डिवाइड,
इधर देखना आप लोग 20 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पे 0 से 1 के बीच में 20 ठो लाइन अंदर छोटे छोटे, इसलिए 20 से डिवाइड करेंगे। पहले मैं क्या किया इसको 10 20 30 30 के बाद यहां पे दो लाइन पे दूसरे लाइन पे आ रहा है यहां पे, तो टोटल कितना हो गया 32। 32 को 20 से डिवाइड करो कितना आएगा 1.6। और इधर की मैं बात करूं तो यहां पे 10 10 के बाद इधर 2 कितना हो गया 12। 12 को मैं 20 से डिवाइड करूं तो 12 नहीं हुआ 14 है, तो 14 को ठीक है, ये बी पॉइंट था हमारा, ए पॉइंट का बताता हूं मैं, यहां पे टोटल 14 लाइन है ना, ठीक है। चलो मैं इधर की बात करता हूं तो इधर कितना था मेरा 32, 32 को मैं 20 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 1.6। यहां पे 14 था, 14 को 20 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा 0.7। चलो हम लोग सी की बात करते हैं, ठीक है, सी डी ई आपको थोड़ा सा और जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे इधर फिर से, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट तो एग्जैक्ट यहां पे टकरा रहा है, इधर 3 इधर कितना है 2, तो 3-2 आ जाएगा। डी पॉइंट जो है इधर 2 और इधर पे 3, वो भी इजी है। ई पॉइंट भी बहुत इजी है, ठीक है, ई पॉइंट इधर 0 और 1 के बीच में आ रहा, मतलब 0.5 इधर 3, ठीक है। चलिए मैं आपको पॉइंट नंबर ए समझाता हूं, पॉइंट नंबर ए आप लोग देखेंगे, ठीक है, आप लोग अपने अपने ग्राफ में देखो। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखना ऐसे काउंट किए, यहाँ पे यहाँ तक 10, ये 20, यहाँ पे 30, 30 के बाद यहाँ पे दो लाइन और आ रहा है 32, 32 को 20 से डिवाइड किया हम लोग ना, इस तरह से कर किए हैं, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पे हमारा ग्राफ टेबल में एक छोटा सा ये दिया है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे पूरा जो आपका ग्रिड बना हुआ है, ठीक है, इस अंदर ग्रिड में छोटे छोटे 10 लाइन होते हैं, और एक हल्का सा लाइन पांचवा लाइन में भी होता है, तो लोग यहाँ पे जो ग्राफ में लिए 0, इसको 1 लिए हैं, इधर वाले को 2 लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 20 लाइन है, अंदर यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 20 लाइन है, इसलिए 20-20 से डिवाइड कर दो तो जल्दी बन जाएगा आपका, ठीक है, आपका ग्राफ भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं जेड का मान ज्ञात करें, जेड का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ Z, Z की वैल्यू हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अच्छा मैं CD का तो लिखा नहीं ना, अब बता दो बेटा कितना है CD का, ये पॉइंट्स, ठीक है, चलो C का कितना आया 3 और 2, D का 1.9 और 3, और E का 0.5 और 3, ठीक है, पॉइंट्स और ये इंडेक्स, ठीक है, हमारे पास 5 पॉइंट बना है A B C D और E, E का कितना था 1.6 0.7, B का 3 0.4, C का 3 2, इसका कितना 1.9 और 3, इसका होता है 0.5 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा उद्देश्य फलन क्या था, लाभ कमाना, और लाभ कितना दिया जेड बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है x प्लस 3y, तो x का वैल्यू 1.6 प्लस 3 × 0.7, x की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 3 × 0.4, y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, है ना, 1.6 है ना, 3 प्लस यहाँ पे 1.9 प्लस यहाँ पे 0.5 प्लस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इधर कॉलम को, इनटू इधर आएगा ना, ई का कैसा वैल्यू 0.5 और 3, ठीक है, 0.5 और प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 × 3 × 3 किसमें, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू इधर वाली है ना 0.7 0.4, इधर का आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3,
ठीक है, 1.6 से 1.6 21 मतलब 2.1 और ऐड करोगे तो 2 और 1 हो गया 3.7, इसका 3 का 3 हो गया प्लस 3 इंटू 0.4 1.2 क्या आ जाएगा 4.2, 3 का 3 प्लस 3 दूनी 6 9, 1.9 का 1.9 प्लस 3 का 9 10.9, 0.5 का 0.5 11/3 दिया है, 11 को 3 से डिवाइड करो, कैसी के आसपास आ रहा आंसर चेक करो तो आप लोग बुक में आ रहा हमारा आंसर दिया जेड इक्वल टू 11/3 ठीक है, और एक्स की वैल्यू 3.666 ग्राम लिखते हैं हम लोग, आ रहा है इसी के लगभग आसपास आ रहा है ठीक है, हम लोग बट्टे में लेके नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, हम लोग डेसिमल में लेके बनाते हैं, डेसिमल हमको एग्जैक्ट पता है, आप कभी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा वही एग्जैक्ट निकाल सकता है 11/3, बाकी इंसान निकाल ही नहीं सकता 11/3 कैसे निकालेंगे, हम डेसिमल निकाल सकते हैं ग्राफ पेपर से भी और कैलकुलेटर से भी, तो दोनों हमारे लिए आसान है ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू 5/3 दिया है, चेक कर लेते हैं 5/3 आने से 1.6 आ रहा है या उसके आसपास, देखो तो 1.666 आ रहा है, 66 आ रहा है, 1.6 लिया मतलब ठीक है चलो चलेगा ठीक है। वाई की वैल्यू दिया 2/3, 5/3 में 1.6 2/3 करने से आ रहा है 0.6666 आ रहा, मतलब 67 ले सकते हैं ठीक है, ये 1.7 जा सकता है राउंड फिगर में, चलो ठीक है। यहाँ पे 0.66 ज्यादा दिए हैं, यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे कम किए, एग्जैक्ट मतलब कितने के आसपास आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है बुक का आंसर ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लिखते परिणाम लिखते, छोटा सा 3 लाइन का आंसर वो आप लोग लिख लेना पुराना वीडियो देख के ठीक है।